नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की वजह से आई बाढ़ से बुधवार को कम से कम 17 लोगों की जान चली गई और कई मकानों, खड़ी फसलों और एक लघु पनबिजली संयंत्र को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें, अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वहीं बुधवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बादल फटने से 8 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 17 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं किश्तवाड़ के दाचन और बाउलजवा इलाके में दक्षिण कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा, उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा और लद्दाख का कारगिल बादल फटने से प्रभावित हुआ और दर्जनों घर, कई पुल और लघु पनबिजली परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दाचन तहसील के होंजार गांव में सुबह करीब 4:30 बजे बादल फटने की वजह से एक पुल के अलावा छोटी नदी के किनारे स्थित 6 मकान और एक राशन की दुकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पुलिस, सेना और SDRF का संयुक्त राहत अभियान अभी भी जारी है और अब तक 7 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 17 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना से उत्पन्न स्थिति पर करीब नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से बात की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। तो बता दें, लगातार कल कई जिलों में, कई राज्यों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड समेत हिमाचल सहित कई इलाकों में, कई राज्यों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटना से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जम्मू कश्मीर में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। बाराबंकी के बसअड्डे चौराहे पर यातायात व्यवस्था देख रही पुलिस ने जब एक तेज रफ्तार से जा रही कार चालक युवती को रोका तो युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और पुलिस के साथ युवती धक्का मुक्की करने भी लगी और काफी देर चली इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस की सख्ती के आगे युवती ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी। इसके बाद पुलिस ने युवती से के साथ मौजूद तमाम लोगों को गाड़ी चलाने की बात पर युवती को भी छोड़ दिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह दरअसल पुलिस ने युवती की गाड़ी रोकी थी, जिसके बाद युवती ने सड़क पर ही घंटों ड्रामा कर दिया और पुलिस से बदतमीजी भी की। हालांकि युवती पुलिस का वीडियो भी बनाती हुई नजर आई और पुलिस लाख समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवती सुनने को तैयार नहीं थी। इसकी वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति भी बन गई थी। हालांकि समझा बुझा कर मामला शांत कराकर बाद में युवती को छोड़ भी दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जहां एक और सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने दो बच्चों के जनसंख्या नियंत्रण कानून का स्वागत किया है। साथ ही मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि ये कानून हिंदुओं के खिलाफ है और हिंदुओं के ही 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया है और हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। साथ ही मुसलमानों के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते तो ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ओवैसी की भाषा हैदराबादी तक तो ठीक है, लेकिन पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। वहीं बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में संजय नगर निवासी किराना व्यापारी ने अपने लिए स्विगी से ऑनलाइन 250 रुपए के मोमोज ऑर्डर किए, लेकिन जब मोमोज का ऑर्डर वहां घर पर पहुंचा तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली थी, जिसके बाद व्यापारी ने स्विगी से मंगाए मोमोज की ऑनलाइन ही शिकायत कर पैसे वापस लेने की मांग की। उस वक्त कॉल कट गई और उसके कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर एक कॉल
दोबारा आया और कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताते हुए उनकी मदद करने की बात कही। साथ ही उसने व्यापारी के मोमोज के 250 रुपए वापस करने का लालच देकर उनके बैंक खाते से दो बार में गूगल पे के जरिए 17,000 की ठगी कर ली, जिसके बाद किराना व्यापारी ने इज्जत नगर थाने में ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। अशोक बिहार मोहल्ले के संजय नगर के रहने वाले अशोक कुमार आर्या ने थाना इज्जत नगर में एक तहरीर दी कि उन्होंने गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया था और एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल करने के बाद HDFC में उनका बैंक अकाउंट का खाता है और उनके खाते से दो बार में, एक बार में 55,000 तथा दूसरी बार में 14,000 रुपये उनके खाते से निकल गए। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त करके थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही हम इसको जो है पता रसी करके जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया या जिसने करी है उसके विरुद्ध शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं बिजनौर के बड़ापुर इलाके में पहाड़ा नदी का पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना हुआ है। दरअसल पहाड़ी इलाके में हो रही लगातार बारिश से इस पहाड़ नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया है। वहीं ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। कई गांव के आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हैं। बता दें, आजादी के 70 सालों के बाद भी आज तक इस रास्ते पर किसी भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन किसी भी सरकार के विधायक और सांसदों की तरफ से इस मार्ग पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं इस रास्ते से तकरीबन कई गांवों के ग्रामीणों को रोजाना इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन बरसात में पहाड़ा नदी का पानी इस रास्ते पर आने की वजह से लोग जान हथेली पर रखकर पहाड़ा नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। बहरहाल इस और जिले के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कोई भी नजर अभी तक नहीं पड़ी है। यह नदी ग्राम चकुदशन और बढ़ापुर के बीच में पड़ती है। इस नदी का नाम पहाड़ा नदी है और यहाँ पर इस नदी से गुजरने वाले जो गांव के व्यक्ति हैं वो ग्राम एक सरदारपुर है, ग्राम बेड़ी है और ग्राम धर्म वाला है और ग्राम एक छपड़ा वाला पड़ता है और ग्राम एक प्रकाशी वाला है। यानी कि इसमें यह लगभग जो है ना 5-6 हज़ार की आबादी के जो है और इस परेशानी को देखते हुए जो है पूरा गांव जो है ये कई गांव इस नदी से जूझ रहे हैं और यहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है ये हमारे वाहन खराब हो चुके हैं और जो है हर साल के जो है यहां पर जो है ना एक दो मौत हो जाती है क्योंकि उनको जो है बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने जंगल में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने भारी संख्या में अवैध असली भी बरामद किए हैं। साथ ही मौके पर ही पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जंगल में इंडिया मेंट तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री में तमंचा बनाने का काम चल रहा था। वहीं पुलिस ने मौके से छापेमारी कर तमंचा बनाने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही पुलिस ने मौके पर तमंचा बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीन और औजार भी बरामद कर लिए हैं। हाथरस जिले में भारी बारिश में वित्तहीन स्कूल एसोसिएशन ने अपनी कई मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकाली। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों की तरफ से BSA को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में वित्तहीन स्कूल एसोसिएशन ने स्कूलों की बिजली वाहनों की EMI माफ करने की मांग रखी। इसके साथ ही संचालकों की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने की भी मांग की गई है। अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है कि विद्यालय खोले जाए तथा RTE के अंतर्गत जो विद्यालय में अध्ययनरत है छात्र उनकी RTE की जो शिक्षा क्षतिपूर्ति जो मिलती है वो शासन से भी प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा शासन ने अभी तक विद्यालय वालों की कोई बिल माफ नहीं किए, बिल जारी है तथा 4 करोड़ों के भी
जो है EMI है वाहन के वो भी जारी है, इससे कोई रियायत नहीं मिली है। शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक न्यूज भी निकला था कि शिक्षा में जो शिक्षा अध्यापक है उनको मानदेय दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह से इतना स्टूडेंट विद्यालय वालों को न किया जाए। एक तो विद्यालय भी नहीं खोले जा रहे, इसके अलावा कोई मानदेय की व्यवस्था भी नहीं की गई है। बहुत सुंदर। किस संगठन के तहत आपकी रैली निकाली? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत ये रैली निकाली गई है। शांति पूर्वक हमारा जो प्रदर्शन शांति प्रदर्शन जो किया जा रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं कानपुर के मेहता तहसील क्षेत्र में उस समय दर्दनाक हादसा घटित हुआ जब मूसलाधार बारिश के चलते एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया और मकान के मलबे में दबकर दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से परिसरों में कोहराम मच गया है। बता दें कच्चा मकान गिरने की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं प्रशासन ने आर्थिक सहायता राशि की मदद पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बता दें हादसे की सूचना पर अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही पीड़ित परिवार को अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई और वहीं कच्चा मकान गिरने और दंपत्ति की मौत पर गांव स्तर के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए। साथ ही सभी जिम्मेदारों से गरीबों को आवास योजना से शासन की मंशा के अनुसार लाभान्वित कराने की अपील भी की। यही नहीं जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वाहन करने की भी अपील की। SDM साहब आए थे, SO थाना इंचार्ज सब लोग आए थे, कानून को लेखपाल सब लोग आए थे। अच्छा, तो प्रशासनिक अमले ने क्या आश्वासन दिया? अब आश्वासन दिया जो सरकारी जो भी सरकारी तौर से उनको मदद दी जाएगी, 4-4 लाख के लिए बोल के गए हैं, बाकी मुख्यमंत्री आवास के लिए नाला खुदवाने के लिए भी दिया और नाला के लिए बोल के गए, जो भी नाला यहाँ का जो उन्होंने विवादित अंगद पाल ने बांध रखा है उसको खुदवाने के लिए बोल के गए हैं। और आप लोगों के जरिए जो उनकी मदद हो सके, हम तो यही चाहते हैं उनको मदद मिल सके बस। देखिए घटना का खबर लगा, जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया है और जो जन हानि हुई है उसके आर्थिक सहायता के लिए उनके द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। पीड़ित को नियमानुसार मदद दिलाई जाएगी। वो कच्चा मकान गिर गया है, जो बगल से एक नाला बह रहा है और सुबह सुबह हमारे पास 5:30 बजे फोन आया प्रधान जी का, मकान गिर गया है और पत्नी दोनों उनकी मौत हो गई है। सरकार द्वारा एसडीएम साहब 7:30 बजे पहुंच गए, पूरी जांच करके आप पोस्टमार्टम में आ गए हैं गिरा और पूरी हम पर कार्रवाई होगी। उन लोगों को आकस्मिक योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलना वो मिलेगा 4-4 लाख रुपया और उसका आवास मिलेगा। इस तरीके के जर्जर और कच्चे मकानों को चिन्हित करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रधानों की भी जिम्मेदारी है। और चूंकि इस तरह नए प्रधान बने पूर्व प्रधान बने दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसके कारण ये काम हो ही नहीं पाए, ट्रेंडिंग में पड़े रहे। वही हम लोग कह रहे थे जब मर जा रहा है व्यक्ति तब आप बता रहे हो, वो हमसे कहने लगे तो हमने कहा आप हमें पहले बता, तुम पहले आवाज करा दी। उसके 3 छोटे बच्चे उसके बच्चे हैं और इसमें एक लड़का बाहर है 18 साल का और एक छोटी लड़की है जो बोल नहीं पाती है और एक लड़की और है बड़ी थोड़ी, लेकिन नाबालिग बच्चे हैं। तो पहले बंदिशा ये है कि हम बात करके उनको जो ये अनाथ बच्चों वाले में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उनका बराबर पैसा मिलता रहे और ये नहीं हो पाता है तो उनको आकस्मिक योजना के अंतर्गत जो निधन होता है जिसमें उसके अंतर्गत जो पैसा मिलना वो उनको दिलाने का पूरा प्रयास कर घर मिलेगा। दावे करती है कि विकास किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी, लेकिन जब खुद के ही क्षेत्र की हालत खस्ता हो तो भी क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला है कानपुर में, जहां के कैबिनेट मंत्री महाना के विधानसभा क्षेत्र में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बारिश में भीषण जलभराव के चलते लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के सैनिक चौराहे के पास पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं स्थानीय लोग खुद इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर अपनी परेशानियां बता रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री से कई बार इसकी शिकायत भी की है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहीं जलभराव से स्थानीय लोगों का निकलना दूभर हो जाता है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एम्बुलेंस कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं मऊ के कोपागंज में भी एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी एम्बुलेंस बाधित कर धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए थे, लेकिन नवागत सीएमओ की तरफ से सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों की चाबी ले ली गई और सभी एम्बुलेंस जिला अस्पताल मुख्यालय पर लाकर खड़ी कर दी गई, जिसके बाद सभी एम्बुलेंस कर्मचारी जिला अस्पताल मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन करने लगे और साथ ही विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनकी सैलरी भी कोई फिक्स नहीं है और कोरोना काल दौरान सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों की तरफ से अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना ही कोरोना मरीजों को लगातार अपनी सेवा देने में लगे हुए हैं। जब कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो एलएस कर्मचारी को निकाल दिया गया और एम्बुलेंस कंपनी की तरफ से सभी कर्मचारियों के ऊपर 20 फर्जी मरीज केस लाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाए और एम्बुलेंस को 250 किलोमीटर रोजाना दौड़ाया जाए, जिसका विरोध करते हुए सभी कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। 8 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और एक्सीडेंटल उठाना, कोरोना महामारी में जहां परिवार में कोई अपने भाई भाई को नहीं पहचान रहा था, उस कोरोना पेशेंट को हम लोगों ने ऑक्सीजन लगा के अस्पताल में एडमिट कराया और आज 8 साल से कार्य कर रहे हैं। आज कंपनी हम लोगों से फर्जी केस करा रही है, फर्जी दबाव बनाती है, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 7,000 सैलरी देती है। हमारा कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ना हमारी कोई छुट्टी फिक्स है और हमारे एलएस कर्मचारी थे उनको निकाल बाहर कर दिया। फर्जी केस हम लोगों का टारगेट होता है 15 केस का, 15 से 20 केस का टारगेट दिया जाता है कि आपको 20 मरीज कहीं से लाना है और उसको दिखाना है बुखार और गाड़ी दौड़ाना 250 किलोमीटर। बताइए हम फर्जी केस कहाँ से लाएं, कहाँ गाड़ी दौड़ाएं। हम 23 तारीख से धरने पे हैं, 23, 24, 25 हम लोग शांतिपूर्वक धरना दिए धरना स्थल पर कल्ट्री में और 25 से कार्य बहिष्कार हुआ। तो धरना स्थल जो है बापू इंटर कॉलेज में था कोपागंज, वहाँ हम लोग धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। कल प्रशासन द्वारा जो है एम्बुलेंस को यहाँ पर रात में लाया गया और चाबी ले ली गई। उसे कहा गया है कि आप लोग एम्बुलेंस क्यों नहीं चला रहे। हमने कहा सर ऐसे फर्जी केस कर रही कंपनी आए दिन हम लोग को शोषण कर रही है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने डीएम साहब को, एडीएम साहब को, शासन प्रशासन सबको अवगत कराया, लेकिन हमारी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग एकदम परेशान होके, थक के, हार के, मजबूर होके हम लोग जो है मुजफ्फरनगर के सिकेड़ा थाना क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते गरीब का मकान धराशायी हो गया। वहीं मकान के मलबे में दबकर परिवार के 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद घायलों में दंपत्ति और 5 बच्चे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेज दिया। इसी के साथ SDM घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों को आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं प्रतापगढ़ के BSP के ब्राह्मण सम्मेलन में BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और पूर्व मंत्री नकुल दुबे शामिल हुए। वहीं सतीश मिश्रा ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हालत बुरी है। कहने के लिए BJP कहती है कि राम राज्य है, लेकिन BJP ने राम के नाम पर लूट मचा रखी है। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार ने लोगों को लूटा, लोगों के पैसों को लूटा और लोगों संपत्तियों को भी लूटा है। राम के नाम पर कई करोड़ों रुपए BJP और संघ ने खर्चा किए हैं। वहीं सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के अपहरण की सूचना पर पुलिस विभाग में खड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की तरफ से चेकिंग चलाई गई और मामले की छानबीन शुरू की गई, जिसके बाद CO सिटी के नेतृत्व में जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ और मोबाइल फोन को ट्रेस किया तो सच्चाई सामने आ गई। दरअसल CO सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि नगर कोतवाली के शाहगंज चौकी अंतर्गत रहने वाले युवक इमरान ने अपने अपहरण की सूचना पुलिस को दी थी। जब तहकीकात शुरू की हुई तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला था। इमरान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जगदीशपुर गया था और अपने अपहरण की गलत सूचना उसने पुलिस को दी थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद सच्चाई सामने आई और पुलिस ने इमरान को बरामद कर लिया। वहीं अब पुलिस ने झूठी सूचना देने के आरोप में इमरान के खिलाफ नगर कोतवाली में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
एक सागन चौकी क्षेत्र का इमरान नाम का लड़का जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जिसका जिसके द्वारा ये झूठी सूचना दी गई थी कि मेरा अपहरण कर लिया गया है, वो यहाँ से जगदीशपुर चला गया था और रात्रि में करीब 10:30 बजे वापस आया। पूछताछ करने पर उसने प्रेम प्रसंगवश यहाँ से जाना बताया। उसकी जांच की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। वहीं राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी विवाद को सुलझाने में कांग्रेस जुट गई है, लेकिन विवाद सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता ही जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री गहलोत झुकने को तैयार नहीं है तो दूसरी ओर पायलट गुट का कहना है कि अब फैसला होना ही चाहिए। ऐसे में अब एक एक करके कांग्रेस विधायकों को बुलाकर उनकी राय ली जा रही है। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर भी भेजा गया था। ये दोनों गए तो थे विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सिंह सोलंकी का कहना है कि इस बार पूरा इलाज होगा क्योंकि आलाकमान उनकी सुन नहीं रहा है। तो वहीं रफीक खान जैसे गहलोत गुट के विधायक मुख्यमंत्री की पैरवी रहे हैं। दोनों गुट के दावों के बीच अब कांग्रेस के एक एक विधायक को विधानसभा में बुलाया जा रहा है और उनसे पांच पांच सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वही पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलेंगे। हालांकि उनकी मुलाकात को लेकर आलाकमान की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें पंजाब कांग्रेस प्रधान का पद संभालने के बाद सिद्धू की आलाकमान से पहली बार मुलाकात होगी। कल दिल्ली में उनकी पहली मुलाकात पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से हुई थी। इससे पहले मंगलवार को सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात करते हुए पांच अहम मुद्दों को जल्द ही हल करने पर जोर दिया था। वहीं आलाकमान से मुलाकात के दौरान सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पुनर्गठन पर जल्द ही निर्णय लेने का आग्रह भी करेंगे। साथ ही समिति जनवरी 2020 में भंग कर दी गई थी और अब पंजाब में विधानसभा चुनाव को केवल 6 महीने का समय ही रह गया है। ऐसे में पार्टी के मजबूत ढांचे की नव नियुक्त प्रधान को बहुत जरूरत रहेगी। इसके अलावा सिद्धू प्रदेश इकाई में फेरबदल के संकेत भी दे चुके हैं, जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि वो हाईकमान से इस मुद्दे पर भी विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करेगी। सत्ता पक्ष ने जहां एमसीडी में भ्रष्टाचार, किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों में वकीलों के पैनल को खारिज करने के मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी, तो वहीं विपक्ष ने कथित डीसीसी घोटाले, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी ने तो दिल्ली विधानसभा का घेराव भी करने का ऐलान किया है। बता दें आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय दिल्ली के विधानसभा सत्र के दौरान सदन से सड़क तक और दिल्ली के मुद्दों पर टकराव देखने को मिलेगा। आने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी शासित एमसीडी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप सदन में मढ़ेंगे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। ऐसे में सदन में सत्ता पक्ष किसानों का मुद्दा भी उठाएगी और सदन को यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बिजली पानी मुफ्त दे रखी है, वहीं बीजेपी शासित अन्य राज्यों में बिजली बिल को लेकर लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आज दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की ओर से ये जानकारी दी गई है और साथ ही कहा गया है कि विद्यार्थी अपना परिणाम देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in पर जा सकते हैं। परिणाम मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा घोषित किए जाएंगे। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने बयान में कहा है कि हायर सेकेंडरी
सेकेंडरी व्यवसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा मूक पदे श्रेणी 2021 का परिणाम आज 29 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे जारी कर दिया जाएगा। इस बार विद्यार्थी वेबसाइट के अलावा बता दें MPBSC और MP मोबाइल ऐप पर माय रिजल्ट सेक्शन में भी देख सकेंगे। इसके लिए छात्रों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। हालांकि बीते सप्ताह ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया था। 10वीं बोर्ड में इस साल 100% विद्यार्थी पास हुए थे और बोर्ड की तरफ से कोई मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई थी। साथ ही मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया था, जिसमें 9,25,000 विद्यार्थी पास हुए थे। और इस बार 10वीं कक्षा में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन में स्थान भी हासिल किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।